एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो चाय मैं कंटिन्यू पका रही हूँ ये गुड़ की चाय है तो आई एम श्योर आप यही बोलेंगे, चलो बेवकूफ़ मत बनाओ, पागल समझियो क्या। गुड़ की चाय में तो दूध डालते ही दूध फट जाता है, कर्डल हो जाता है। तो सच में दोस्तों ना, ये कोई मजाक नहीं है, ये गुड़ की चाय बन रही है और कंटिन्यू देखिए आपके सामने ये पक रही है और बिल्कुल भी नहीं फटी है। और एक और बड़ी मज़े की बात कि अगर आधे घंटे के बाद भी आप सर्व करेंगे ना तो भी ये चाय नहीं फटेगी। तो ऐसा कौन सा सीक्रेट टिप्स या फिर इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया है कि ये चाय नहीं फटी है? चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। तो इस चाय को मैं 2 कप बना रही हूँ दोस्तों। एक पतीली में मैंने ले लिया है 1.25 कप पानी और इसको हमने रख दिया गर्म होने के लिए। गुड़ की चाय है तो इसके अंदर अदरक, इलायची, लौंग ये सब डाल करके बनाएंगे जभी इसमें टेस्ट आएगा। अगर आप बिल्कुल प्लेन बनाएंगे तो ये गुड़ की चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया, 2 छोटी इलायची, 1 लौंग और ये मैं 4-5 काली मिर्च डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं काली मिर्च को, लेकिन मुझे थोड़ा सर्दी हुई है, कफ हुआ है, तो मैंने 5-6 इसके अंदर काली मिर्च डाल दिया है। इससे चाय और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। हल्का सा हमें इनको क्रश कर लेना है, ज़्यादा इनको बारीक हमें नहीं कूटना है। आप देख रहे हैं अदरक को मैंने सिर्फ तोड़ दिया इस तरह से और अब हम इनको जो है निकाल लेते हैं एक प्याली में। अब यहाँ पर देखिए ये देसी गुड़ है दोस्तों, जो गांव का गुड़ होता है। अगर ये आपके पास में इजीली अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ये जो ग्लास गुड़ है ना, जो हर ग्रोसरी स्टोर पर आपको लाल वाला मिल जाता है, आप वो भी ले सकते हैं। बट मैं यहाँ पर आज ये वाला गुड़ यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे पास में है तो मैं इसी से चाय बनाऊँगी। और ये जो ग्लास गुड़ है ना दोस्तों, ये विदाउट केमिकल वाला आप लीजिएगा। देखिए पानी गर्म हो गया है तो इसके अंदर मैंने डाल दिया ये स्पाइसेस जिसको हमने कूटा था और एक मैंने गुड़ लिया है। ये गुड़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो मैंने इनको तोड़ करके ले लिया है। और गुड़ की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही मतलब आपको डालना है एज़ कम्पेयर टू शुगर। शुगर जो है वो ज़्यादा मीठी होती है, गुड़ उतना ज़्यादा मीठा नहीं होता है, तो इसलिए आपको गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना होगा। 1 मिनट के लिए हम इसको यहाँ पर पकाएंगे ताकि ये जो सारे मसाले हैं ना, ये बहुत ही अच्छे से इनका रस निकल करके चाय के पानी में इन्फ्यूज़ हो जाए। तो 1 मिनट लगभग हो चुका है दोस्तों इनको पकते हुए। तो अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच चाय की पत्ती, और चाय की पत्ती डालने के बाद में भी हम इनको 2 मिनट का टाइम देंगे पकने के लिए ताकि इसका भी अच्छे से रख जो है उतर जाए। उसके बाद में दोस्तों आएगा वो मैजिक इंग्रेडिएंट जिससे जो है हमारी गुड़ की चाय नहीं फटेगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि वो सीक्रेट कौन सा है। तो दोस्तों ये है मेरे पास में बेकिंग सोडा। जी हाँ दोस्तों, ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है। इससे जो है ना दोस्तों, गुड़ की चाय में जब आप दूध डालेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेगी। बट डालना कितना है आपने देखा, 1 पिंच। इससे ज़्यादा अगर आपने डाला भैया तो चाय हो जाएगी ख़राब। फिर आप मुझे मत कहिएगा कि चाय अच्छी नहीं बनी है। बिल्कुल छोटी सी एक चुटकी मैंने लेकर के डाला है, जितना कम हो सके उतना डालिएगा, बड़ा सा चुटका मत डाल दीजिएगा वरना ये पूरा चाय का जो टेस्ट है ना वो चला जाएगा। तो बहुत ही ज़रा सा मैंने डाल करके इनको हल्का सा मैंने पका लिया है, चाय पहले ही पक चुकी थी। अब बारी आती है इसके अंदर दोस्तों दूध डालने की। आप देख सकते हैं कि पानी की जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दूध। अब ये दूध कौन सा है, ये दूध पहले से बॉयल है लेकिन रूम टेम्परेचर है, ठीक है, फ्रिज का नहीं है, ये रूम टेम्परेचर का दूध है। 1 कप मैंने भर करके डाल दिया है और मुझे इतना कलर जो है चाय का बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, इससे ज़्यादा अब मैं दूध नहीं ऐड करूँगी। आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर दोस्तों फ्लेम को थोड़ा सा करेंगे हाई और इनको जो है ना कंटिन्यू इस तरीके से उछालते हुए हम पकाएंगे। कुछ दिन पहले मैंने 2 अलग अलग चाय की वीडियो दोस्तों पोस्ट किया है कि क्रीमी चाय कैसे बनती है और कड़क अदरक वाली चाय कैसे बनती है, वो भी कुछ टिप्स और सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ में थी। तो उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, इस तरीके से पकाते जाना है। अब आप देख रहे हैं कि चाय के अंदर झाग बन रही है और आपके सामने आप देखिए कि चाय बिल्कुल भी नहीं फटी। मैं कंटिन्यू इसको पकाऊंगी एटलीस्ट 1 मिनट के लिए ताकि दूध जो है बहुत ही अच्छे से चाय के अंदर अपना फ्लेवर दे दे। ये देखिए, देखा आपने, और मैं करछी से इस तरीके से इनको कंटिन्यू उछाल भी रही हूँ, देखा आपने, ये देखिए। अब दोस्तों इसके अंदर जो सोडे की, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सोडे की एक स्मेल ना आ जाए, तो सोडे की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आएगी तो उसको कट करने के लिए यहाँ पर आप ऐड कर रही हूँ यहाँ पर 1/4 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर। अब जो शक था कि बेकिंग सोडे की स्मेल आएगी वो बिल्कुल भी यहाँ पर अब नहीं आएगी दोस्तों।
अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ एक पिंच नमक। अगर आप भी मेरी तरह से गुड़ की चाय में नमक डाल करके पीना पसंद करते हैं तो ऐड कर लीजिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। वैसे गुड़ की चाय में थोड़ा सा नमक जो है वो अच्छी लगती है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, अब हम फटाफट से सर्व करेंगे। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा हो तो दूसरों को भी शेयर करिए और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपकी ये चाय कैसी बनी। मेरे और भी वीडियो पर विजिट करिए, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कल मैं फिर आऊँगी नई रेसिपी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।